खतरनाक रॉकेट है ये तो यार। ओबे भाई ये तो करीब पे आने नहीं दे रहा। ओबे भाई ओबे ओबे इसको हाथ लगाया मेरा जो 14 प्रो मैक्स है वो तेरा हुआ सारा पीछे। ओबे 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 और पकड़ा इसको। अस्सलाम वालेकुम सब, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। घर में ना थोड़े थोड़े से लोग बीमार होना शुरू हो गए, फिर कुछ ज्यादा बीमार है। अचानक से ना वायरस लग गया है। अब कल परसों भी शायद हम डॉक्टर गए थे, डॉक्टर ने यही बोला था कि भाई वायरस है इसको, तो अभी ये कुछ दिन तक बीमार रहेगा, तो इसका मतलब रात को तंग करेगा। आज जो है ना वो मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँ। क्या हो गया इसको? अभी भी तंग कर रहा है। नजला बह रहा है नाक से। सही फ्लू हो गया, सही खांसी भी हो गई। बस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो ज्यादा ही हो गई। जो बीमार हो ना उसको बच्चों से दूर रखें प्लीज यार, क्योंकि अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे घर में एक बीमार है जिस वजह से ना बासिल को कैच कर लिया वायरस ने बहुत जल्दी। इससे तो फिर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ये खांसी फ्लू, बस रो ही जा रहा है रो ही जा रहा है। चलो अल्लाह लगा लो, शाबाश अल्लाह लगा लो। अल्लाह अल्लाह मैं पारा मुन्ना तुम्हें देख के रो रहा है ये। हम बोल दिए मास्क तो जाए, तुम्हें देख के बहुत रो रहा है और हाथ ऊपर कर रहा है, क्योंकि इसको रात को ना आजकल भाई मैं ही सुला रहा हूँ। क्योंकि पता क्यों सुला रहा हूँ इसको मैं? ये क्या करता है, इसकी अम्मा इसको अपने में लिटा दी है, ये कड़ा बाजी खा के मेरे पास आ जाता है और ये मेरे पास चेस्ट पे सर रख के सोएगा। अब इसको आदत सी हो गई है, क्योंकि अब क्या करें भाई, अब तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने सो रहा है, उसको मेरा सोने मजा आ रहा है। अभी इसने फिर मुझे देख लिया तो रोना शुरू। तो अभी टाइम 12:10 हो रहे हैं। आज तुम्हें देख के इतना रो रहा था जैसे तुम आए ना, बस इसने और रोना शुरू कर दिया। मैंने दूर से निकाल दिया इसको, ये चुप नहीं हो रहा था, तो इसको तोतों के पास ले आया। वो भी मॉम के तोते चिड़िया है ना यहाँ पर, इनको देख रहा है अभी, फिर थोड़ा बहुत खुश हो गया। अगर मम्मा इसको ले जाएंगी ना पकड़ के फिर रोना शुरू कर देगा। तुम्हारे आवाज पे ऐसा रोने लगा डबल। मुझे पहचान रहा है ना, पहचान रहा है कि मुझे ले लो। अब तो मुन्ना है ना 12 सा, बोला था मुझे उठाओ और मुझे घुमाओ, मुझे नहीं सुना। आवाज नहीं सुनाओ भाई, वापसी डाल दिया इसको झूले के अंदर ताकि ये सो जाए। नाश्ता हो चुका है बिल्कुल मेरा रेडी। नाश्ते में आज काफी सारी चीजें भाई, अंडा है, साबुदाना है, टमाटर की चटनी और आलू का पराठा। असल जल्दी से बोलो तो करते हैं भाई जल्दी से नाश्ता। नहीं बोलना, नहीं बोलो, मैं ही बोल देता हूँ भाई, तो करते हैं जल्दी से नाश्ता। ओके पापा आ गए हैं भाई, क्या प्लान है आज का? चलो आज दूसरी मंडी चलते हैं। क्यों? जानवर तो कोई ले ही नहीं रहे, देखना तो चाहिए पहले। हम लोग ढूंढेंगे सिर्फ क्या, जैसे लड़के शॉपिंग करती है। हाँ, जैसे 10 दफा पूरी दुकान खोल देती है ना लड़कियाँ। हाँ। उसके बाद भी कुछ नहीं लेती है। कल भी हमने ये किया तो आज भी हम ये करेंगे, आज भी ये करेंगे। दो व्यापारी किधर है? अबे टमाटर मंडी चलेगा, मंडी चलते हैं। दूसरा व्यापारी किधर है? दूसरा व्यापारी काम पर गया हुआ है। उसको भी ये कॉल करके बोला आजा चलते हैं मंडी। पकड़ो बासिल सो रहा है भाई, जब तक हम लोग जा रहे हैं और तुम जो है ना वो बैग पैक कर दो दोनों के। इसका भी करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसको तो छोड़ना है। हो गया इसका? और आपका तब तक नहीं करूंगी जब तक आप मुझे फुल कंफर्म नहीं करोगे समझने की फ्लाइट इतने बजे घर से निकलना। ये तो मैं नहीं बताने वाला। ये क्या हुआ भाई, आ गया वीजा? आ गया। हाँ काफी गंदा हो गया कैब, मंडी गए थे कल तो सारी धूल मिट्टी इस पे ही आ गई। हाँ कैब बिल्कुल साफ। अरे बाबा गाड़ी तो बहुत अंदर खड़ी करी है यार, फटाफट से निकालते हैं गाड़ी भाई। अच्छा वाला, हम ना शाम को जा रहे थे, पापा आए थे ना, तो ये एटेड हुआ टमाटर मेंढा से ना देर कर दी। अब जाते जाते ना हो जाएगी हमें रात। अब रात को हमें जानवर दिखने पड़ेंगे, बस लाइट है वहाँ पर अच्छी हो ना तो जानवर हमें सही दिख जाएंगे। निकल गई भाई, चले। क्या हुआ बाकी सब का है? उस गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में, फरारी में हुसैन भी। हुसैन और हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी में, भैया और टमाटर उस गाड़ी में। दो गाड़ियाँ सामने खड़ी है, कहाँ से निकालूंगा। निकल गए भाई, निकल गई जानवर की तो लाइन लगी हुई यहाँ पर, पता नहीं कौन से कैटल फार्म में आ गए भाई। इस टाइम पे हम सारे ही सेम है, शरीफ लग रहे हैं मुझे सारे। अच्छा यार माशाल्लाह। अबे टमाटर, तूने हाथ लगा लिया आज? अबे तूने कल तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, आज तो तू भाई शरीफ गाय को हाथ लगा रहा है। शरीफ गाय को हाथ, इसको लगा के दिखा, ये काली है लेकिन शरीफ होगी, लगाए तो। अबे जा तो, अबे डर क्यों रहा है? अरे भाई सारे ने साथ घूमनी है मंडी क्या? भाई एक जानवर खुलवाया है और पापा ने इसके रेट पूछे, तो अब क्या बता रहे? 18 लाख। भाई पहले जानवर पे डरा दिया हम लोग को, डर गए। ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है जानवर यार। पापा जब इसके 18 लाख बताए तो अपने बराबर में देखे जरा, कितना बड़ा जानवर खड़ा हुआ। 2500 का लग रहा है मेरे को। ये जानवर कितने का हो? 35 लाख रुपए का भाई। हुए, मारता तो नहीं है ये, है तो हैवी बट है शरीफ। अब कुछ ज्यादा रश लग गया भाई, एक फार्म चेक कर लिया, एक जानवर निकलवाया, इतने रेट बताए, अब हम जा रहे हैं दूसरे फार्म। फार्म नंबर 2 ये पसंद आ गया, अब इसको खुलवा रहे। चलो माशाल्लाह भाई। इधर जिस जानवर को तू चलाएगा वो ही लेंगे। चल जा, चला अबे, चला अबे, यही चलाना पड़ेगा अबे, डर क्यों रहे? ये तो बड़ा गुस्से में यार। उई भाई, ये बहुत गुस्से में भाई, तो मुझे हाथ लगाने भी नहीं दे रहा भाई। क्या हो गया, लगाने तो दो हाथ, चेक तो करूं कैसे हो, ठीक ठाक हो? यार मैं यार तो करूं। अरे भाई ये तो भाग रहा है। ओके जी, तो फिर एक और निकलवा लिया भाई, इसको भी चेक करते हैं कि तू नहीं मार रहा ना।
नहीं ये शरीफ है। अरे हम खुलवा रहे हैं भाई, लाइन से खड़े करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंस है। तो मतलब तीन चार निकलवा कर फिर उसमें से चूज करेंगे। पसंद तो काफी आ रहे हैं यार, काफी ज्यादा जानवर है। ओए भाई ओ मैं समझ गाय आ गई। ओए भाई थ्री फार्म की तरफ चलते हैं, चल टमाटर। अबे किधर है सींगे? ओए टूट भाई, ओए टूट भाई, ओ भाई साहब अबे इतनी बड़ी बड़ी सींगे। ओए 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 मार रही है वो भाई, लगना जाए सिंह विंग। ओबे भाई ओबे भाई ओबे भाई ये तो खतरनाक है बहुत इसके। ओए 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 बच्चे को धक्का देना पड़ेगा। मैं तो बात बता, तू इतना डरपोक क्यों है यार? किसी भी जानवर को तू हाथ नहीं लगा रहा। जो अपना लेंगे ना उसको फिर हाथ भी लगाएंगे, खिलाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो क्या अगर वो खतरनाक आ गया फिर क्या करेगा? नहीं नहीं वो दो तीन दिन में सेट हो जाता है, तेरी दोस्ती हो जाएगी उससे, देख ले हो जाएगी। इसने बिल्कुल लगा ली वो गाने वाले सुने। काम कर रहा हूँ, काम इंस्पिरेशन है लोगों की, ऐसा काम करना चाहिए। देखो काम पे भी आया हूँ उसके साथ हैंड फील लगा के एडिटिंग करना। सच में तुम काम कर रहे हो? अबे भाई तो एडिट कर रहा है भाई, व्लॉग व्लॉग एडिट। अबे भाई इंस्पिरेशन यार मेरी भी, क्या बात है। अब सारे फार्म आज भी घुमा रहे हैं आप, क्या इरादा है? घूमो ना, पसंद आए तो ले लेंगे यार अभी। अच्छा ले भी लेंगे, पसंद आ गया तो? दो तो पसंद आ गए मेरे को। अच्छा वो पीछे जो आए? हाँ पापा बोल रहे हैं भाई देखने नहीं आए, ले भी लेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है, तो देखते हैं भाई अच्छा सौदा जहाँ बनेगा वही लेंगे। वैसे तो जो भी पसंद आए ना, एक का रेट है 5-6 लाख और दूसरा जो है ना वो है 4-5 लाख, मतलब टोटल अगर आप मिलाओ दोनों को तो 9-10 लाख बन रहे हैं। मतलब काफी एक्सपेंसिव मंडी हुई हुई है, तो हम बार्गेनिंग करेंगे, जो हमें सस्ते में मिलेगा भाई हम ले लेंगे। मतलब सस्ता मींस के खूबसूरत भी हो, बड़ा भी हो और सौदा भी अच्छा बने, वो वाली बात। सस्ता फूड फार्म। बाय 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 बाय। अबे क्या हुआ बे, जल्दी जल्दी चला चला। अबे चल नहीं रहा तू, चलाएगा आज गए चलाऊं? अबे आज तू कुत्ता बुला रहा है। अबे तो भगा भगा पीछे से, पीछे से दुम दुम दुम। बड़ी प्यारी जानवर है भैया, नुखरा है जैसे कि आप देख सकते हो उसकी व्हाइट। मारता नहीं है? अच्छा चलो भाई भागने वाला है। अबे आराम से आराम से आराम से आराम। भाई तो बहुत तेज भाग रहा है, घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है। भाई जी तो 125 थी भाई, उसको क्या हो गया? ये खुद ब खुद चल रहा है। अबे ये ये पता कौन है? ये रॉकेट है, रॉकेट। एक मिनट दिखा दिखा, ये देख रॉकेट कैसे भागेगा देखना अभी। ओबे 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 लात भी मार रहा है। ओबे 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 खतरनाक रॉकेट है ये तो यार। ओबे भाई तूने अगर इसको हाथ लगा लिया, चैलेंज तेरे लिए, तूने इसको हाथ लगाया मेरा जो 14 Pro Max है वो तेरा हुआ। मुझे नहीं चाहिए। अबे इतनी बड़ी शर्त रख दी मैंने, सिर्फ इतनी दूर से बता रहा हूँ, तेरे को हाथ लगा के दिखा। चाहिए नहीं, मेरा 13 Pro Max बहुत है। गाइस देखो इसको कोई रॉकेट को हाथ नहीं लगा सकता। गाइस ये रॉकेट बहुत खतरनाक है। ओए 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 भाई ये तो खतरनाक रॉकेट है भाई, ये जिसने खरीदा वो तो गया। ओए 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 इसको खोल के दें आपको? नहीं। अरे भाई रॉकेट खुल गया भाई। हां तो बंदा वो तो बड़ा गुस्से में था। अबे करेगा करेगा भाई। अरे भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई उसको ले गया, ओ उसको ले गया, ओ भाई वो रॉकेट भाग गया और रॉकेट रस्सी छोड़ के भाग गया। और रॉकेट कहाँ गया? रॉकेट बड़े गुस्से में अंधेरे में कहीं घुस गया, दिख नहीं रहा। अरे वहां से निकल रहा है। ओ तकड़ा इसको। ओ भाई ओ भाई खतरनाक रॉकेट है, कोई हाथ में नहीं आ रहा, यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। अबे ये किसी ना किसी को तो उड़ाएगा मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है। पहली बार देखा इतना खतरनाक रॉकेट, अब ये इसको उड़ाएगा। ओ ओ पकड़ लियो। अबे 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 अरे अरे कम। अबे अब दोबारा भागते बाहर है, अब दोबारा भागते बाहर। अबे वहां से आ रहा टमाटर। अबे टमाटर वहां से आ रहा है। ओए ओए गाइस ये तो मजा करा दिया मैं आज। हमने तो भाई बहुत किसी पकड़ में नहीं आ रहा। हां हां खतरनाक है भाई ये बहुत। वो बाहर, अबे बाहर निकल गया, आ गया आ गया आ गया। ओ फिर भाग गया भाई। ये क्या रखा हुआ आपने भाई? ये रॉकेट? ये रॉकेट नहीं है, फिर ये मिसाइल है हमारा। आ गया भाई। ओए भाई ये चीज भाई, भाई ने कंट्रोल कर लिया भाई। शुगर भाई 5-6 चक्कर लगाने के बाद इसको काबू कर लिया और बांध दिया। अब फोर्ट फार्म से बाहर निकल के थक गए काफी भाई, उस रॉकेट ने नचा दिया हम लोग को। रॉकेट ने सबको नचाया, जिसने खोला हमारे बंदे भी पकड़ नहीं रहे। शुक्र है बाहर से बाहर नहीं निकला। अबे शुक्र का टक्कर नहीं मारी किसी को, अगर किसी को टक्कर मारता तो वो तो एक्सपायर था भाई। ऐसा भाग रहा टक्कर मार रहा, लाते मार रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिफ्थ फार्म की तरफ और यहाँ पर भी देख सकते सारे माशाल्लाह बड़े बड़े तगड़े तगड़े जानवर लगाए हुए, इतनी बड़ी बड़ी सलामियां आएंगी। ओए 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 माशाल्लाह
यार व्हाइट गाय माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है ना यार, और अगर ऊपर से वो नुखरा हो जाए इस तरह, मतलब पिंक आई हो उसकी, ये पिंक सिंग हो, ओए होए होए कमाल। वन सलाम भाई, तो गाय देखने आए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा हो गया मीटअप। जिस फार्म जा रहे हैं ना उधर सारे बच्चे, तो जानवर हम कम देख रहे हैं और मीटअप ज़्यादा कर रहे हैं। जिस जानवर पे शुरू में दिल आया था भाई वापसी उधर आ चुके हैं, ये व्हाइट वाला और एक उसके उधर खड़ा हुआ है वो व्हाइट वाला। तो अभी फाइनल डिस्कशन हो रही है पापा और मेरी। इस मंडी से जाना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों का अब थैंक यू सो मच भाई इतने ग्रेस का, बट थोड़े से ना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब चीजों को समझते ही नहीं है फिर। वो देखो अभी भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, लव यू भाई। पूरी गाड़ी की तरफ चुपक गए सामने, इधर इधर लेट्स गो। पापा पता नहीं उतर के कहाँ चले गए, फिर अपडेट रुक गई थी भाई, फिर सारा बच्चे आ गए थे सेल्फी वगैरह लेने ना, तो हमने बोला कि चलो चलते हैं आगे और फिर कुछ खाते पीते, तो फिर वहां पर अपडेट देते हैं आपको। तो अपडेट ये है कि अभी हमने जानवर नहीं लिया, पसंद आते आते पैसे लगा दिए हमने, हमने दो जानवर के फिक्स 8 लाख बोले, वो बोल रहा है कि मैं छोड़ूंगा तो 9.5 लाख में छोड़ूंगा। लेकिन हमारे हमें क्या लगता था कि भाई वो 8 लाख ही बनते थे, क्योंकि एक जो जानवर था वो चार दांत था और एक जो था वो 2 दांत था, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट किया तो हमारा 8 लाख आ रहा था कि भाई 8 लाख में दोनों छोड़ता है तो हम ले लेंगे, बट वो नहीं आया हमारे ना हिसाब के बराबर। तो फिर हुआ ये कि फिर हमने बोला कि चलो लीव इट, चलते हैं घर। तो बड़ा मसला है भाई जानवर के लिए सौदा बनाना काफ़ी मुश्किल है, जैसे आप अपने घर ढूंढते हो ना पूरे पूरे साल, उस तरह जानवर की बार्गेनिंग करने का मजा अलग है यार। बकरा ईद है तो आज नहीं मिला, तो अब देखते हैं भाई कब मिलेगा हमें जानवर। अबे पापा कहाँ है बेटा, तू आ गया भाई? पापा आ रहे हैं। क्या बोल रहा है तू बता? मैं कह रहा हूँ जानवर उसने सही रेट नहीं लगाया बे यार, वो दो के उसने थोड़ा और कम कर देना तो अपनी उसमें आ जाए रेंज में। थैंक यू सो मच। पापा भी आ चुके हैं भाई, टक्करे मार रही है दूसरे को भाई, टक्कर मार रही है भाई, गिर ना जाए इनमें से कोई, अगर गिरी तो बस फिर गई। लड़ो नहीं आराम से जाओ भाई। अरे भैया लोग तो हमसे पहले आ गए, हम भी पहुंच गए घर। हाय कैसी हो मम? इतनी जल्दी आ गए आज? वाह बड़े जल्दी आ गए। इतना घूमे। अरे ये क्या मंगवा लिया है? हम समझा रोस्ट नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमें बहुत भूख लगी है, आज तो हमने कुछ बनाया ही नहीं। लो आपके समझे हम लोग खा कर आएंगे, चावल हमने बड़े थक गए थे, हमने बोला कि भाई घर जाके खाएंगे, घर पर रोटी वोटी बनी होगी। जानवर आज भी नहीं मिला, मिल जाएगा इंशाल्लाह। समझो बस एक होता है ना, बिल्कुल किनारे से रहिए जानवर। किनारे से रहिए, बस थोड़ी सैड फीलिंग है मॉम यार, सैड हो जाते हैं इतना घूमते तो फिर दिल चाहते हैं कि ले लो, बट आपने भी रोज मंगा ली तो मैं आपको मैं मंगा लूंगी। मंगा नहीं, ये आपको मेरे दूसरा मंगाओ। नहीं, आपको भूख लगी है, ये लो। नहीं, मेरी दूसरा मंगाओ, लेकिन ये आप खाओगी, आप मेरी वजह से अपना खुद नहीं खा रही। नहीं नहीं, मुझे पता है कि माँ का ऐसे ही होता है, वो अपना छोड़ देगी। हाँ गाइस आपकी माँ का ऐसे करना, बोलो नहीं खाओ तो मम्मी खाएंगी, मैं दूसरा मंगाता हूँ। अरे यार अबे टमाटर सर पर दबा दे, बेसर में दर्द हो गया, सोया भी कम हुआ आज, तो सो जाएगा अब मेरे जरासीम आएगा तेरे अंदर तो फिर अबे तो कौन बनाएगा उठ के? नहीं सो सक रहा ना मैं, बेबी बीमार है ना। बस फिर तू क्या कर, उधर आ जा उस वाले घर पर, पागल हो जाएगा बेबी को, फिर 5-5, 6-6 बजे तक सोएगा साथ मेरे, फिर साथ पागल है मेरे ड्यूटी ड्रॉप करेगा ताकि मैं ब्लॉग ना बनाऊंगा। अगले दिन मैं उठूंगा रात के 8 बजे, ब्लॉग आ रहा होगा रात के, पता नहीं कब आ रहा होगा, 4 बजे रात के ब्लॉग आ रहा होगा। डमाड़े के साथ जो रहे भाई उसका क्या होगा, डमाड़े के साथ रूटीन उड़ जाएगी उसकी पूरी। अरे क्या स्टाइल है, खतरनाक ड्राइवर है, खतरनाक है, छोटा लाल होगा बस और कुछ नहीं करा, गाड़ी इंजन खराब हो जाएगा गाड़ी का, नहीं तो सही बता रहा हूँ नहीं होगा, मैं जब बोलना मैं देख लिया। आपको आज मैं ड्राइव करवाऊंगा इसकी, रात में ना एक चक्कर लगाऊंगा, अंदर बैठ के कोई आवाज़ नहीं आ रही सिलेंसर की, अरे जोर ले रही है इंजन पर, जोर पड़ रहा सारा, तो मैं ये तो नहीं पता इंजन सीज ना हो जाएगा, नहीं होगा यार, फिर और खर्चे होगा तो फिर करवाना पड़ेगा ना भाई उसको, क्यों क्यों होना दो उसको, पतला वाला वो लगवा लो जो लगा हुआ था, सिलेंसर सिर्फ चेंज करा दो भाई, इसका सिलेंसर जो है ना इतना मोटा लगाया है, इतना आवाज कर भ्रम भ्रम, नहीं तो यार वो स्पीड पकड़ भी नहीं रही गाड़ी इसकी, अब दूसरी बार जा रही है, दूसरी बार स्पोर्ट्स जा रही है, जब वो देखता तो अरे ये तो ऑल्टो है, उसको लगता है कि स्पोर्ट्स आ रही है। पापा भैया को बोल रहे भाई चेंज करा लो, क्योंकि पापा ने आज गाड़ी भैया की बहुत देखी है, हमसे आगे आगे भाग रहा था, यूं। पापा ने बोला कि घर जाके सिलेंसर चेंज करवाऊंगा इसका। हुसैन कितनी स्लो चल रही थी गाड़ी? हम तो बहुत स्लो चलाते हुए आ रहे हैं, 20 की स्पीड पर।
अच्छा बच्चे सच बताते हैं। पापा का गुड डे। हाँ मुझे लगता है गाय में इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने इसको बोला था कि जब हम गाय लेने जाएंगे तो तुम्हें साथ लेके जाएंगे। बच्चों का काम नहीं है। हमारी हालत बुरी होगी तो इसकी क्या हालत हो जाएगी? गोद में लेके फिरना पड़ेगा ना। गोद में लेकर नहीं, जो रश था। हाँ बच्चे की वजह से तो। हाँ इसको तंग कर देंगे बच्चे। छुप के जाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े भी बहुत होते हैं जानवरों के ऊपर। जानवरों के ऊपर और क्या, बच्चों को नुकसान दे जाते हैं। ये भाई मेरे मम्मा पापा जो है ना सच बता देते हैं तो फिर मैं अपने ओपिनियन चेंज कर लेता हूँ। पहले मुझे लगता है कि बासु को लेके जाऊँ, फिर मम्मा बोलते नहीं ये हो जाएगा, पापा बोलते भाई ये हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ ठीक है तो नहीं लेके जाएंगे उसको। थैंक यू। तो आगे भाई मेरे ब्रोस्ट पापा ही बैठ गया, टमाटर से बैठ गया, तो खाते हैं फटाफट से खाना। पैकिंग हो गई मेरी नहीं हुई। अरे ये तो खाली हो रहा है, दोनों खाली है। जल्दी पैकिंग करो जल्दी। जो तुमने मुझे गिफ्ट दिए थे बर्थडे पे, जो मैं दुबई से ही लाया था, वो दुबई पहन के जाऊंगा, मतलब दुबई लेके जाऊंगा वहां पहनूंगा। तो हो गया मेरा बैग पैक। व्लॉग को इधर से ही एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखो।